RAC में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज 4 अप्रैल और आपके आज का जितना भी राजस्थान करंट अफेयर्स बनता है उसको लेकर हम आज की क्लास में चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज की क्लास का आपका पहला क्वेश्चन है, जो आपके मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना, मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना के तहत बजट 2023-24 में स्कूटी स्कूटी की संख्या 2000 से बढ़ाकर कितनी कर दी है? ये कर दी है आपके 5000, जो इसका ये आपका ये है ना मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना। तो इसका आपका नोडल विभाग है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, ठीक है, इसको याद रखना, नोडल विभाग एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। ये था आपका पहला क्वेश्चन। अगर आपके अगले क्वेश्चन की बात करें तो है आपका जो थेरवी अखिल भारतीय टीम, अखिल भारतीय पुलिस कमांडो चैंपियनशिप में किस राज्य की पुलिस टीम ने चैंपियन बनी है? जो आपकी तेरहवा नंबर की जो अखिल भारतीय पुलिस कमांडो चैंपियनशिप हुई है, इसमें जो मतलब किस राज्य की पुलिस टीम चैंपियन बनी है, तो ये बनी है अपनी राजस्थान पुलिस, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन आपके जो मुख्यमंत्री गैस सिलेंडर योजना है, मुख्यमंत्री गैस सिलेंडर योजना की शुरुआत कब हुई है? तो ये हुई है आपके 1 अप्रैल 2023, ये आपके नए वित्त वर्ष के साथ स्टार्ट हो गई है 1 अप्रैल 2023। तो इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर जो आपको है ना उज्ज्वल योजना के अंदर का जितने भी आते हैं उन लाभार्थियों को 500 रुपये में गैस सिलेंडर उपलब्ध होगा, ठीक है। और जो इसके लिए जो वित्तीय प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है वह की गई है 750 करोड़ रुपये की, ठीक है। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 अप्रैल 2023, ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है, जो केंद्र सरकार की नगर योजना के तहत खातीपुरा और मोहना, ठीक है, में नगर वन बनेगा, यह किस ज़िले में है? तो यह है आपके जयपुर ज़िले के अंतर्गत, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन आपके जो अखिल भारतीय सिविल सेवा एथलेटिक्स खेलकूद प्रतियोगिता में राजस्थान की डॉक्टर सारिका यादव ने लॉन्ग जंप में कौन सा मेडल जीता है? तो ये जीता है अपने कांस्य पदक, ठीक है। इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन आपके जो 45वीं जूनियर बालक नेशनल हैंडबॉल चैंपियनशिप में राजस्थान किस टीम से हार कर रजत पदक जीता है? तो ये अपना हरियाणा से हार कर रजत पदक जीता है राजस्थान से, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जो आपके जूनियर बालक नेशनल हैंडबॉल चैंपियनशिप हुई है ये आपके हुए 45वीं नंबर की, ठीक है, इसको याद रखना, एग्जाम में पूछा जाता है। और राजस्थान हारा है किससे? हरियाणा से, ठीक है, ऑप्शन बी, ठीक है। ये थी आपकी आज की क्लास। तो कल की क्लास का फटाफट से रिविजन कर लेते हैं। तो कल हमने पढ़ा था कि जो आपके सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग है, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा नशा मुक्ति हेतु किस संस्थान के साथ MOU हुआ है? तो ये हुआ है आपके ब्रह्मा कुमारी संस्थान माउंट आबू। अगला क्वेश्चन आपके प्रदेश में किस जिला प्रशासन के द्वारा सिलिकोसिस नीति 2019 से मतलब स्टार्ट हुई है पर काम करते हुए उसके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए मोबाइल ऐप कवच तैयार किया है, ठीक है, कवच तैयार किया है? तो किस जिला प्रशासन के द्वारा किया गया है? ये किया गया आपके दौसा जिला प्रशासन के द्वारा। जो इसका आपके है ना सिलिकोसिस नीति, इसका तो विभाग है आपके सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, और जो ये कवच मिलकर तैयार किया है, इसका जो कवच का है ना, इसका जो संयुक्त रूप से नोडल विभाग है सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग एवं प्रौद्योगिकी विभाग, ठीक है। इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन सी। 71वीं अखिल भारतीय पुलिस एथलेटिक्स प्रतियोगिता के किस खेल में कंचनार चौधरी ने कांस्य पदक जीता है? ये जीता है शॉट पुट के अंदर, जिसे गोला फेंक भी बोलते हैं। राजस्थान में नवंबर 2022 तक राजस्थान में कुल कितने पर्यटकों ने भ्रमण किया है? ये किया है आपके 986.32 लाख, जिसमें से 983.24 लाख तो स्वदेशी है और 3.08 लाख विदेशी है। चंबल रिवर फ्रंट पर लगने वाले दुनिया के सबसे बड़े घंटे ने 5 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए, ये इसके शिल्पकार कौन है? तो इसके शिल्पकार में देवेंद्र कुमार आर्य। ये थी आपकी आज की क्लास। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए, ठीक है।
जो आपको इस क्लास की पीडीएफ मिलेगी वो मिलेगी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल राइट एंगल क्लासेस पे। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।